सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। अपनी जो चैलेंज था, जो अपना $500 टू $2000, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% कम्प्लीट हो चुका है, क्योंकि हमारा जो कैपिटल है, आपको स्क्रीन शॉट दिख जाएगा स्क्रीन पे, वो ऑलमोस्ट $1100 पहुंच चुका है ना। $1050 कुछ है अभी, उसको पूरा 1 लाख होने में $100 और चाहिए, तब जाके वो 101 लाख रुपये हो जाएगा अभी। लेकिन अपने लिए $1000 से ऊपर डॉलर हो चुका है और अपना जो कैपिटल है 5x हो चुका है, बिल्ड हो चुका है पूरा, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है, मोटिवेशन बात है। तो अपन इस वीडियो को इसी मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। जो अभी जो भी वीडियो होगा ना, ये आप बहुत एंड तक देखना, ये आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं पहले इसको साइलेंट कर लेता हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ मिस्टेक करी है वीक के स्टार्टिंग में ही, जो आप लोग को गलती से भी नहीं करनी है। ठीक है, तो अपने वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपन मंडे सेशन करते हैं। और सॉरी गाइस, आज ये लास्ट है, आपको ऐसी घटिया आवाज़ नहीं सुनाई। क्या है कि जो मेरा ऑफिस है वो थोड़ा खेतों के पास है, तो ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं, है ना। सीडीज थोड़ा आउट है, तो थोड़ी आज बस ये फालतू की वॉइस आप अवॉइड कर लेना। मंडे से मैं अपना प्रॉपर माइक यूज़ करूँगा, जिसमें आपको ये फालतू की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। ठीक है, सबसे पहले अपन 14 अक्टूबर को आते हैं, जो अपना मंडे था। यहाँ पे ना पॉइंट ऑफ व्यू अगेन मैंने आपको जैसे बताया, मैं 8 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। तो यहाँ पे तो आपको चार्ट पे काफ़ी मैच दिखे, क्योंकि मैं एलआईसी के हिसाब से करता हूँ कि कोई भी कंडीशन छूटी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अपना 14 ये वाला है। देखो यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ पे देखो जो आप ट्रेंड देख रहे हो, ट्रेंड अपना क्या है, अब ट्रेंड है पूरा, है ना। सबसे पहले मैं बार रिप्ले लगा देता हूँ यहाँ पे, तो आप लोग को ईजी दिख जाएगा कि मैंने कहाँ से अपना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये बार रिप्ले लगा रहे, तो आप यहाँ पे आपको क्या समझ में आएगा, यहाँ पे ये समझ में आएगा कि देखो मार्केट ने नया हाई बनाया, वापस इस मेजर लेवल पे आया, जो कि आ चुका है लास्ट फ्राइडे जो था उस पर मेजर लेवल पे आया था, वहां से नीचे जाएगा और वापस ऊपर जाएगा। तो मतलब इसके जो ये जो लेवल है, इसकी 50% पे आएगा और वापस ऊपर चला जाएगा। तो 50% में यहाँ पे मार्केट आ गया था, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो बुलिश था। ठीक है, फिर मैं एंट्री बनाने के लिए 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया, तो यहाँ पे मैंने क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट खुला था, है ना, जैसे ही संडे के मिडनाइट में खुला था मार्केट, तो यहाँ पे मैंने सेल का पोजीशन बनाया था। तो यहाँ पे हुआ क्या कि मेरा एसएल मेरा यहाँ पे खा गया। ठीक है, यहाँ पे खा गया था, है ना। तो यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट चला, और यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरा एसएल खा जाएगा। सॉरी, तो गाइस यहाँ पे जो अपना ये वाला जो ट्रेड था, ये यहाँ पे टेक ओवर था, मतलब अपन ने यहाँ से ये ट्रेड को लिया था, है ना। जो संडे की मिड नाइट थी, यहाँ से अपन ने ट्रेड प्लेस किया, तो यहाँ पे अपना इजीली सुबह सुबह ही टीपी हिट हो चुका था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था कि भाई चलो सुबह सुबह टीपी हिट होगा, तो अच्छा खासा टारगेट आ गया था। ठीक है, फिर यहाँ पे हुआ क्या कि मैंने ठीक है मार्केट का वेट किया ऊपर जाने के लिए, तो मेरे को बाय लेनी थी। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने बाय ले ली। बाय लेने का सिंपल लॉजिक था कि यहाँ पे जो एक जो लेवल बनाया है, ठीक है, ये जो लेवल बनाया था, इसको यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे बाय ले लिया। ठीक है, तो ये अपने दिन का मंडे का दूसरा ट्रेड था, और यहाँ पे अपना थोड़ा मार्केट साइड में गया, प्रॉफिट को थोड़ा सा बार बार रिट्रेस कर रहा था, तो यहाँ पे अपना सेकेंड ट्रेड भी विन हो गया, यहाँ पे अपना टीपी हिट हो गया था। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो दिन का टारगेट होता है 10 से 20% का, तो 10% यहाँ पे हिट हो गया था और 5% यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया, बचा था 5%, है ना। तो अपना जो मनी मैनेजमेंट, उसमें कायदे के हिसाब से ये रहता है, जैसे ही आप 10 से 15% गेन कर लेते हो और मार्केट फेवरेबल है, मतलब मार्केट अच्छा चल रहा है आपके हिसाब से चल रहा है, तब आपको लॉट साइज, रेगुलर लॉट साइज है जो मेरा मनी मैनेजमेंट है, उसके लिए भी मैं वीडियो अलग लाऊंगा, उससे मैं थोड़ा लॉट साइज कम लेता हूँ, है ना, ताकि अपने जो भी लॉस हो प्रॉफिट में, ऐसा नहीं हो एक ट्रेड में पूरा प्रॉफिट चला जाए। तो यहाँ पे मैंने लॉट साइज कम करने की वजह यहाँ पे गलती से पड़ गया था मुझसे, तो यहाँ पे अगेन मैंने सेल ली थी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हुआ क्या गाइस, कि यहाँ पे जैसे अपना टीपी हिट हुआ था, तो यहाँ पे मैं ओवर कॉन्फिडेंस में, क्योंकि दिन के दो ट्रेड बैक टू बैक विन हो गए थे, तो हुआ क्या कि मैं बाहर था और कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन में फंसा हुआ था कि मेरे को ध्यान नहीं दे पाया मार्केट में क्या हुआ, तो 0.04 लॉट लेता हूँ मैं, है ना। तो हुआ क्या, 0.40 लॉट ले लिए मैंने, और दो लॉट ले लिए वो। अब बताओ आप, पता नहीं क्या हुआ, गलती से क्या क्लिक हो गया, वो मेरा लॉट साइज ऑलमोस्ट एक पूरा लॉट हो गया था, मतलब $0.40 के दो लॉट ले लिए थे मैंने, और यहाँ पे मार्केट चला, मैंने बाय रखा था, यहाँ पे मेरा एक ही स्पाइक में
पूरा ऐसे लेट हो गया, और जो भी कमाया था वो तो गया ही गया, आज के दिन जो भी कमाया था वो तो जाना ही था, जो कैपिटल था और जो प्रीवियस वीक में कमाया था वो भी लॉस हो गया पूरा। तो यहाँ पे पूरा दिमाग का दही हो गया था सच में। और यहाँ पे अगेन फिर मार्केट साइडवेज जाने लगा, रेड ग्रीन कैंडल बनने लगा, तो फिर मैंने यहाँ पे अगेन एक सेल का ट्रेड यहाँ पे लिया था मैंने, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मैंने सेल का ट्रेड एको लिया था तो मेरा अगेन ये एसएल हिट हो गया था, ये मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेल लिया तो दूसरा ट्रेड भी लॉस हो गया, तो मेरा बहुत खतरनाक दिमाग मूड ऑफ हो गया। फिर मैंने वेट किया मार्केट का, मैंने चलो इवनिंग में आएंगे, इवनिंग में देखते, उस टाइम शायद कोई न्यूज़ नहीं था, ठीक है। तो इवनिंग में मैंने यहाँ पे बढ़िया लोड साइज सर यहाँ पे बाय ले लिया था, यहाँ पे मैंने बाय लिया, और ऑलमोस्ट शायद मैं आपको मेंशन कर दूंगा मेरा शायद 400 कुछ डॉलर का लॉस हुआ था, सिर्फ इसी मिस्टेक से कि मैंने मार्केट में रिस्पॉन्सिबल होकर ध्यान नहीं दिया, अपनी पोजिशन साइड ओवर कर दी, ध्यान नहीं दिया बिल्कुल, एक पॉइंट से मिस्टेक हो गई कि मेरा पूरा प्रॉफिट भी गया और कैपिटल से भी जाने लग गया था, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने बाय ली, मार्केट चला बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, यहाँ पे मेरा टीपी से बिल्कुल रिफ्रेश हो रहा था, यहाँ से ये आप देख रहे हो एरो, यहाँ पे फिर मेरा टीपी हिट होते होते बच गया। फिर मैंने वेट किया, क्या हो रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है। ये रात के बज गए थे करीब 12-1 बज गए थे। फिर यहाँ पे अपना इजिली टीपी हिट हो गया था, मतलब ये ट्रेड मैंने यहाँ पे ली थी 5-6 बजे के समथिंग इवनिंग में ली थी, और ये रात के 12-1 बजे तक यहाँ पे टीपी हिट हुआ था। देखो लेकिन देखो कितने माइनर पॉइंट से आप देखोगे, मेरा टीपी छू के बिल्कुल 20 पॉइंट हो गए, 20 से 30 पॉइंट, मार्केट वापस से नीचे चला गया। फिर मैंने वेट किया भाई, मैंने क्या यार प्रॉफिट लेंगे तो पूरा लेंगे। फिर यहाँ पे मेरा रात के 12-1 बजे 1:30 बजे के समथिंग प्रॉफिट बुक हुआ, और फिर मैं शांति से सोया। उस दिन भी मेरा प्रॉफिट था 150 से 200 डॉलर था मेरा सुबह, लेकिन एंड करते हुए अपना लॉस रिकवर करते हुए भी मेरा सिर्फ 32 से 35 डॉलर का प्रॉफिट हुआ था। उस दिन काफ़ी बुरा मूड ऑफ था मेरा, और जो भी था मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि उस दिन मेरा प्रॉफिट कितना था, मैं आपको देख के ही बता देता हूँ कि उस दिन मेरा प्रॉफिट कितना था 14 अक्टूबर को, हाँ 33 डॉलर था मेरा प्रॉफिट। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो मैं सारी स्क्रीन पर लगा दूंगा। अपन जाते हैं अब ट्यूसडे के सेशन में। ट्यूसडे के सेशन में एज यूजल आपको पता है कि मैं बड़े टाइम फ्रेम में देखा, तो मैं 8 घंटे के टाइम फ्रेम में गया, यहाँ पे देखा कि ठीक है यहाँ पे अब जा सकता है। दो चांसेस थे, या तो यहाँ से वापस से ही ये जो लेवल है यहाँ से शार्प फॉल करेगा, या इसको ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके फिर यहाँ से रैली करेगा, ठीक है। तो मेरा पॉइंट जो था मिक्स था कि मैं बाय भी करूँगा सेल भी करूँगा सेम क्वांटिटी के साथ, तो मेरा कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था कि मेरे को बाय लेना है या सेल ही लेना है, तो यहाँ पे मैं मिक्स लेता, बाय सेल करता। फिर मैंने वेट किया यहाँ पे कि मार्केट क्या चल रहा है, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा वेट किया, मैंने कहा ठीक है चल रहा है। यहाँ पे साइडवेज था मार्केट, तो अगेन मैं यहाँ पे बाय साइड के लिए था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बाय ले लिया था, ठीक है। फिर मार्केट को चलने दिया, मार्केट काफ़ी साइडवेज हो गया था, मेरे टीपी के 60% पे आके मार्केट फ्लिप करने लगा। फिर मैंने वेट किया यार साइडवेज चला गया, देखते क्या होता है। तो यहाँ पे अगेन टीपी के आसपास आके भी मेरा मार्केट अगेन वापस से ही नीचे फॉल करने लगा। फिर मैंने किया क्या किया जाए। तो हुआ क्या था, मैंने यहाँ पे मैनुअली क्लोज कर दिया था फोमो के चक्कर में। हालांकि मैंने जब ये वाला ट्रेड मंडे को होल्ड किया था तो लंबा खेल, देखो दोनों कंडीशन अलग है, इसमें अपन को लॉस कवर करना था, कोई चांस नहीं था, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं था कि होल्ड करने के अलावा। इसमें मैं प्रॉफिट में था तो मैंने यहाँ पे मैनुअली इस ट्रेड को यहाँ पे क्लोज कर दिया था, तो रिस्क टू रिवर्ट रेशो अपना बराबर ही निकला था ऑलमोस्ट। फिर मैंने अगेन दूसरा पोजिशन का सोचा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है। ये जो कैंडल बना था, ये वाला जो कैंडल बना था रेजिस्टेंस के पास, तो यहाँ पे मैंने सेल ले लिया था, ठीक है। वो जो टाइम फ्रेम चल रहा है 30 मिनट्स का चल रहा है, मैं 30 मिनट्स पे ही या 1 आवर पे ही एंट्री लेता हूँ। तो यहाँ पे ट्यूसडे को यहाँ पे अपना अगेन एसएल हिट हो गया था, ठीक है। माइनस ही एसएल लगाया था, यहाँ मेरी गलती थी कि मैंने अपना एसएल काफ़ी छोटा लगाया था। देखो सीन क्या था ना, मैं बताता हूँ, यहाँ पे था ना तो मैंने यहाँ पे इसका रेशियो निकाला था। आपको पता है मैं अपना एसएल कैसे बनाता हूँ, यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे लिया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक लिया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये देखो इसके यहाँ पे ऊपर जा रहा था, तो मैंने ये एक रेजिस्टेंस टाइप का है, ये पिन पॉइंट बने ना, तो यहाँ रेजिस्टेंस टाइप का, तो इसलिए मैंने अपना एसएल यहाँ पे लगा दिया था यहाँ पे, ठीक है, इस रेशो के चक्कर में, ठीक है। मोस्टली रेशो अच्छा होता है ये निकालना, लेकिन मार्केट काफ़ी वोलेटाइल था तो वो रेशो कुछ सपोर्ट नहीं करता, वो अपने हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे मैंने एसएल हिट हुआ, और अगेन एसएल हिट होने के बाद जैसे होता है कि
जो ट्रेड लगाया था उसी डायरेक्शन में जाने लगा और यहाँ पे ना दिमाग फिर से खराब हुआ। फिर मैंने क्या किया ना, फिर मैंने यहाँ पे बाय ले लिया था, यहाँ पे ये वाला जो कैंडल था, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही अपना एसएलएट हुआ तो मैंने यहाँ पे बाय की पोजिशन ओपन करने का सोचा, और यहाँ पे किस बेसिस पे लिया था मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मार्केट आगे हुआ, अपना एसएल खा के अपने डायरेक्शन में गया था, तो यहाँ पे मैंने एक काइंड ऑफ कंफर्मेशन देखी थी, ठीक है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये तो अपन थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं इसमें, क्योंकि मैंने इसके बाद ही देखा था जब मेरा एसएल टूटा। हाँ, ये आप जो पिन पॉइंट देख रहे हो, ये जो डोजी बनी है ना, जब डोजी बन के जब नेक्स्ट कैंडल बनी थी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखा था मैंने कि यहाँ पे देखा एक काइंड ऑफ मोमेंटम आ रहा है ना। 50 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा था एक काइंड ऑफ मोमेंटम आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा रेड कैंडल बना, हो सकता है ऊपर जाने के लिए रैली कर रही है एक फेकआउट टाइप का, क्योंकि आप ओवरऑल ट्रेंड देखोगे तो अप ट्रेंड टाइप का चल रहा था। लेकिन मैंने एक चीज नजरअंदाज कर दी और इस पर ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था वो हो चुका था, ठीक है। तो मैंने इस चीज पे गौर नहीं किया और यहाँ पे बाय ले ली, अंधाधुंध बाय ले ली मैंने, ठीक है। अपन वापस अपने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो अब आप देख रहे होगे यहाँ पे मैंने बाय ले ली और अगेन मेरा एक ही उस पर एसएल हिट हो गया, एक ही कैंडल में मेरा एसएल हिट हो गया। तो यहाँ पे काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था, बैक टू बैक मेरे दो एसएल चले गए थे, प्रॉफिट जरा सा आया था और एसएल इतना चला गया था। तो मैंने कहा ठीक है वेट करते, फिर मैंने वेट किया मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने का, और बार बार मार्केट उसी डायरेक्शन में नीचे चला गया, ठीक है, काइंड ऑफ साइडवेज चला गया था मार्केट, है ना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वेट किया था और यहाँ पे रात के करीब करीब 9-10 बज चुके थे, और मैंने यहाँ पे देखा कि रात में कोई शायद पोजीशन वॉल्यूम आए और रात में कोई पोजीशन मिले, तो मैंने यहाँ पे ये अपन फिर से आगे निकल गए, मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने अगेन सेल लिया था, रात के करीब करीब 1-2 बज रहे थे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सेल लिया। सेल लेने का सिंपल लॉजिक था, आप यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देख रहे हो, है ना, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे मार्केट नीचे फॉल हुआ है, तो यहाँ पे मैंने सेल लेने का सोचा। यहाँ पे मैं अगेन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में गया और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा वेट किया कंफर्मेशन ये मिल गई थी मुझे। ये आप जो पिन पॉइंट देख रहे हो डोजी का, जो कैंडल बनी है यहाँ पे सेलर्स शो कर रही है, तो मैंने यहाँ पे अच्छे लॉट साइज के साथ सेल ले ली थी, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेल ले ली थी और ये मैंने टीपी यहाँ पे लगा था अपना। लेकिन मार्केट भी बहुत नाटक कर रहा था, तो मेरे को अपना टीपी हिट फाइनली हो गया। टीपी हिट होने में दूसरा दिन 3 बजे जब मार्केट खुला था उसी टाइम मेरा टीपी हिट हो गया था, जैसे कि यहाँ पे कहीं मार्केट बंद हो गया था लेकिन मेरा ट्रेड होल्ड था, बीटीएसटी ले लिया था मैंने नेक्स्ट डे के लिए, यहाँ पे सेल ले गए और यहाँ पे मैंने अपना टारगेट रखा था, और जैसे ही मार्केट खुला था मार्केट तुरंत शार्प फॉल किया, फिर ऊपर बाउंस हो गया टीपी हिट करके। तो ये वाला जो अपना सेशन था वेनसडे का, ये काफ़ी बढ़िया रहा, मतलब बढ़िया तो नहीं कह सकते, काफ़ी हेक्टिक रहा था, इतना इजी नहीं था ये वीक मेरे लिए प्रॉफिट निकलना, क्योंकि मार्केट बिल्कुल मूव नहीं दे रहा था, और मूव देता भी था इस टाइम पे देता था कि जब आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो मार्केट में, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने थर्सडे के सेशन में। थर्सडे मोस्टली मैंने देखा है कि थर्सडे फ्राइडे मेरे काफ़ी लूजिंग जाते हैं, और कभी कभार पहले ऐसा होता था कि बहुत बार मैंने थर्सडे फ्राइडे को मोस्टली अकाउंट खाली हुए हैं, ठीक है। तो मैं थर्सडे फ्राइडे को अब मैं थोड़ा कम ट्रेड करने लगा, और मैंने यहाँ पे सुबह सुबह ही एक अपॉर्चुनिटी देखी, ठीक है। मैंने यहाँ पे एनालाइज किया कि मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो क्लियरली अगर आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे जाओगे आपको थोड़ा मेरा चार्ट मैच लगेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ड्रॉइंग यहाँ पर जूम कर लेते हैं इसको चार्ट को, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट को आप देखोगे 4 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो मार्केट एक काइंड ऑफ अप ट्रेंड है ना, अब ट्रेंड है मार्केट, यहाँ पे थोड़ा वो सेलिंग देके फिर ऊपर निकल जाता, तो मेरा जो बाय साइड था वो अप ट्रेंड को लेके था, लेकिन सेलिंग मिलती तो मैं सेलिंग भी लेता लेकिन कम क्वांटिटी के साथ लेता, तो यहाँ पे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो अप ट्रेंड को लेके ज़्यादा था, है ना। और यहाँ पे फिर मैंने वेट किया मार्केट के खुलने का, मार्केट के खुला जैसे ही मूव दिया यहाँ पे मार्केट साइड वाइज चला जाता है, क्योंकि गोल्ड आजकल क्या कर रहा है, मूव देने के बाद ही साइड वाइज चला जाता है। तो मैंने यहाँ पे बाय की पोजिशन ली, ठीक है, यहाँ पे बाय लेने का सिंपल सा लॉजिक था मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने बाय ली थी, बाय लेने का सिंपल सा लॉजिक था कि यहाँ पे सेलर्स की फाइट हो रही है, ठीक है, सेलर्स की फाइट हो रही है, तो यहाँ पे मोस्टली कैंडल्स फुल वॉल्यूम के साथ आपको कौन सी दिखेगी, बायर साइड की, ग्रीन वॉल्यूम आपको ज़्यादा दिख रही है, ये एक सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे अपना सपोर्ट लेवल है तो यहाँ से बाउंस ले रहा ऊपर को, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे बाय ले ली, यहाँ पे मैंने बाय ली थी, जैसे ही पिन पॉइंट बना था तो मैंने यहाँ पे बाय ले ली थी, एसएल अपना थोड़ा बड़ा रखा था मैंने, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल था, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि एसएल खा भी सकता है, मतलब एसएल खा के मोस्टली ऐसा हो रहा था प्रीवियस उसमें कि
कि एसएल खा के मार्केट ऊपर भाग रहा था, तो इसलिए मैंने एसएल थोड़ा बड़ा रख दिया था। तो मैंने वेट किया यहाँ पे मार्केट को अपना टीपी हिट करने के लिए, थोड़ा नफरत दिखाया और यहाँ पे अगेन मेरा एसएल यहाँ था, एसएल खाने की कोशिश करी और नहीं खा पाया क्योंकि मेरा एसएल जरा सा ही नीचे था और यहाँ पे मार्केट तुरंत ऊपर भाग गया, मेरा टीपी हिट हो गया। और ये अपन ने स्मार्टनेस दिखाई, अपने काम आई कि यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरा टीपी खाया होता, अगर मैंने यहाँ पे इतना क्लोज टीपी लगाया होता ना इतना, तो मेरा जरा में टीपी खा के ऊपर निकल जाता। लेकिन मैंने थोड़ा एयर छोड़ दी थी एसएल में कि एसएल मेरा ना खा पाए, ठीक है। यहाँ पे मेरा टीपी हिट हो गया, फिर मैंने अगेन सेल का यहाँ पे पोजिशन बनाया किस बेसिस पे कि ठीक है इतना मूव आया है तो एक रिट्रेसमेंट टाइप का आ सकता है, करेक्शन आ सकता है, इतना ऊपर गया है तो यहाँ तक तो नीचे जा सकता है प्लीज। फिर मैंने अगेन यहाँ पे सेल ली तो मेरा शॉर्ट शॉर्ट यहाँ पे विन हो गया है ना, यहाँ पे मेरे दो ट्रेड बैक टू बैक विन हो गए थे थर्सडे को, ठीक है। और यहाँ पे मेरा इधर मैंने क्लोज कर दी थी इसको मैनुअली, इधर मैंने मैनुअली क्लोज कर दी थी इसको, था मेरा यहाँ पे, लेकिन मुझे वॉल्यूम सही दिख नहीं रहा था यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड मैनुअली क्लोज कर दी। सॉरी गाइस, नींद आ रही है। तो यहाँ पे मैंने बाय लिया गया ना, बाय किस बेसिस पे ली क्योंकि देखो मार्केट गया, करेक्शन ले लिया, वापस रैली कर सकता है मार्केट, तो मैंने अगेन यहाँ पे बाय की ट्रेड लगाई और यहाँ पे थोड़ा मार्केट मेरा अगेन चला गया और फिर वापस पुल बैक किया, इसने पुल बैक किया, ऐसा चलता रहा मार्केट साइडवेज गया, बिल्कुल साइडवेज, टोटल साइडवेज चल रहा था मार्केट, ठीक है। फिर मेरा क्या हुआ मैंने इसका अपना एसएल गलत लगाया था, मेरा एसएल यहाँ पे था, मैंने अभी देखा एसएल मेरा यहाँ पे था, मेरा यहाँ पे एसएल हिट हो गया था, ठीक है। दो ट्रेड अपनी विन थी शॉर्ट छोटी, तो यहाँ पे अपना एसएल हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने अगेन यहाँ पे बाय लेने के बाद मैंने वेट किया, यहाँ पे वेट किया और अपना इजिली टीपी हिट हो गया, ठीक है, इजिली यहाँ पे टीपी हिट हो गया था। तो थर्सडे का मार्केट में वॉल्यूम्स कम थी लेकिन अपने बिहाफ में चला, जैसे अपने ट्रेड प्लेस की वो अपनी विन हुई। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सेवा हुआ डरा हुआ रहता हूँ क्योंकि यहाँ पे थर्सडे फ्राइडे है, तो मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। ये मैंने कम लोड के साइज सारे ट्रेड दिए थे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे लग गया फ्राइडे, तो यहाँ पे फिर मार्केट में कोई वॉल्यूम था नहीं, फिर मैंने मार्केट को अवॉइड किया, मैं क्या रहने दो क्या फायदा। फिर यहाँ पे ये अपना फ्राइडे का मार्केट है, फ्राइडे का क्या है कि थर्सडे फ्राइडे कोई स्पेसिफिक न्यूज नहीं थी इसलिए वॉलिटिलिटी नहीं थी ज्यादा मार्केट में, जब न्यूज नहीं होती ना तो मार्केट थोड़ा फ्लैट चलता है। तो यहाँ पे फिर मैंने वेट किया नेक्स्ट डे पे और यहाँ पे मैंने सेल का ट्रेड लगाया। सेल का ट्रेड देखो लगाने का सिंपल सा लॉजिक था, इतना फ्लैट मार्केट गया है, फ्लैट मार्केट बोलते हैं उसको, ये फ्लैट मार्केट गया है, उसके बाद यहाँ नीचे को ब्रेकआउट दिया तो 95-80% की मार्केट नीचे फॉल करेगा एक करेक्शन के लिए, तो मैंने यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे अपना सपोर्ट लेवल है तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है। फिर मैंने यहाँ पे सेल लगाया और यहाँ पे मार्केट गया और थोड़ा सा नीचे गया मार्केट ने मेरे यहाँ पे एसएल खाया था, पहला दिन का पहला एसएल मिला यहाँ पे खा गया था, यहाँ पे मैंने अपना एसएल गलत लगाया था, यहाँ पे दिन का पहला एसएल मेरा खा लिया था और मेरा एसएल हिट हो गया था। फिर मैंने अगेन यहाँ पे बाय लेने सिंपल लॉजिक था कि यहाँ पे चलो एक करेक्शन दे दिया फिर ये वापस ऊपर को रैली कर सकता है, तो फिर मैंने यहाँ पे बाय लिया, बाय लेने वाला एसएल अपना यहाँ पे था, फिर मार्केट थोड़ा सा अनयूजुअल चला, यहाँ पे मेरा टीपी हिट हो गया, ठीक है, यहाँ मेरा दिन का फ्राइडे के पहला दिन का टीपी हिट हो गया और अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गए थे। फिर मैंने अगेन यहाँ पे सेल क्यों लिया क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट ने 2-3 बार इस लेवल को टच किया है, वो नीचे जा रहा है, तो मेरा साइकोलॉजी था कि प्राइजेशन के हिसाब से मार्केट नीचे जा सकता है, तो मैंने यहाँ पे सेल ले लिया था। सेल लेने के बाद मार्केट गया और मेरा एसएल खा गया, इसी कैंडल में मेरा एसएल खा लिया था, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने अगेन बाय क्यों ली मैं बताता हूँ, अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊँ आपको समझाता हूँ। 15 देखो यहाँ पे मेरा यहाँ पे मार्केट गया था, फिर यहाँ पे मेरा एसएल खा गया था यहाँ पे, ठीक है, कहाँ खाया था एसएल, ओके यहाँ पे हुआ क्या था मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने जो ये वाला ट्रेड था इसका एसएल यहाँ लगाया था, ये अपना क्योंकि प्रॉफिट में चल रहा था, देखो मैं इसको थोड़ा सा बैकअप कर देता हूँ, इसको इस चीज को आप समझने की कोशिश करना मोमेंटम कैसे पकड़ते हैं। देखो यहाँ पे अपन ने सेल लगाया, एसएल मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, एसएल मैंने यहाँ पे लगा दिया और फिर मैंने इसको चलने दिया तो मार्केट थोड़ा सा मेरे बिहाव में चलने लगा है, ठीक है, मैं इसको और चलाता हूँ, ठीक है देखो यहाँ पे मार्केट चलने लगा है, ठीक है, आपके हिसाब चला, फिर इसने यहाँ पे बैकवर्ड रैली बताई, तो मैंने यहाँ पे मैनुअली ट्रेड क्लोज कर दी थी, यहाँ पे जो अपना ये वाला सेल का ट्रेड था क्लोज हो गया था, कम प्रॉफिट में निकले थे अपन,
लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रॉफिट था थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर जब ये मार्केट अगेन यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे कि मार्केट नीचे आया था, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ये चला है, ठीक है, यहाँ पे नीचे आया, तो मैंने यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालाइज करके यहाँ पे बाय ले ली, यहाँ पे बाय ली, तो अपनी शॉर्ट शॉर्ट विन हो गई है, क्योंकि यहाँ पे राइशन लेवल था, मूव उतना नहीं बताता था, लेकिन यहाँ पे मैंने होल्ड किया स्ट्रेट, मैंने कहा देखते हैं कभी ना कभी तो अपना टीपी हिट करेगा, ठीक है। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे अपना इजीली टीपी हिट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे अपना टीपी हिट हो गया था यहाँ पे, ठीक है गाइस, टीपी हिट कर गए और ये नीचे रैली करने लगा, अपना लॉयल लेवल इतना स्ट्रांग था कि यहाँ पे इजीली टीपी हिट हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो फ्राइडे का फाइनल सेशन था अपना विन रहा, और अपन ओवरऑल वीक में अच्छे खासे प्रॉफिट में निकले, अपना जो कैपिटल है $1,045 के ऊपर पहुंच गया है, मतलब $1,100 पहुंचने वाला है ना, अपना जो पहला स्टेप था $2,000 का वो अपन ने कवर कर दिया है। देखो अगर अपन टेक्निकली देखा जाए कवर तो मेरा बहुत पहले ही हो चुका है $1,000, क्या है कि मैंने $300-$400 के विड्रॉ ले रखे हैं, आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा विड्रॉ के, तो पहले से ही अभी अपना अगर वो विड्रॉ नहीं लेता तो अपना कैपिटल इजिली $1,400 से $1,300 का इजिली होता वो कैपिटल आज के टाइम में, लेकिन मैं वो बात नहीं करता क्योंकि वो पैसा निकाल चुका हूँ, वो मेरे अकाउंट में नहीं है, तो मैं उसका कुछ नहीं बोल सकता कि मेरा इतना पैसा होता अभी, है ना। अभी जो करंट में जो अपने अपने मेरे पास फंड है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि $1,048 बचे हुए हैं, मतलब अपन ने इतना गेन कर लिया है एक वीक के अंदर, ठीक है। तो गाइस बस ये आज का सेशन था, थोड़ा बड़ा सेशन होगा ये, थोड़ा ध्यान से देखना इसको, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और लॉट साइज के पोजीशन साइजिंग के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो अच्छी लगी गाइस लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लग जाता है इतना लंबा वीडियो बनाने में, और कोशिश करूँगा वीकली में नहीं डालूँ, डेली वाइज डालूँ तो चैनल की अच्छी रीच भी बनी रहेगी। और अगर गाइस आप लोग को गोल्ड में ट्रेडिंग करनी मेरी तरह लेजिट ब्रोकर का चाहिए एफिलिएट लिंक, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, मेरे लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा आपको, और सारे सोशल मीडिया हैंडल आपको स्क्रीन पे पॉपअप होने लग जाएंगे, मेरा टेलीग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।